नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एजी 500 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो एजी 500 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ये सिप्ला कंपनी की आती है। 5 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 5 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 111 रुपये और 94 पैसे, यानी 111 रुपये एंड 94 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो एजी 500 mg टैबलेट मार्केट में आती है, इसको एंटीबायोटिक दवा बोला जाता है। इट इज़ अ एंटीबायोटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन कॉज बाय वेराइटी ऑफ द बैक्टीरियल। तो ये अगर आपको कुछ बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए यूज़ की जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है। ये दवा अगर आपको कुछ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की शिकायत है तो उसके लिए चल सकती है। आपको कुछ ईयर इन्फेक्शन है, यानी ओटाइटिस मीडिया की कुछ शिकायत है तो उसके लिए भी दवा चल सकती है। और भी यह दवा आपको फेरेंजियाटिस और टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ है तो उसके लिए भी चलती है। ये दवा आपको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कुछ हो गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी दी जा सकती है। और भी यह दवा आपको कुछ कैट स्क्रैच डिशीज अगर हो गया है तो उसके लिए भी दी जाने वाली दवा है। तो मेनली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कुछ हो गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दी जाती है। मेनली आपको कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन दवा है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको वोमिटिंग और नौसिया जैसी शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको हार्ट बर्न की भी शिकायत हो सकती है, और भी आपको डिजीनेस और ड्रॉजीनेस की भी शिकायत हो सकती है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखें, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, दिन में से रोज एक बार इसको लेना है। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।